हाय दोस्तों दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बिल्ड करने वाले हैं एक बहुत ही हाई एंड गेमिंग सीपीयू या फिर बहुत ही हाई एंड वीडियो एडिटिंग सीपीयू। दोस्तों, इस सीपीयू की जो कॉस्ट होने वाली है वो है 1,40,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 1,40,000 रुपीज़ का सीपीयू है। तो दोस्तों, ये जो सीपीयू हम बना रहे हैं हमारे कस्टमर के लिए बना रहे हैं, जो कि वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं। उनका काम कुछ ऐसा है कि वो रात को भी सिस्टम को ऑफ नहीं करते हैं, उनका सिस्टम पूरे टाइम ही ऑन रहता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि हमने इस सीपी में कौन कौन से पार्ट्स का इस्तेमाल किया है, उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं और उसकी कॉस्ट क्या है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो हमने इस सीपी में जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया है वो है एमटी का Ryzen 9 3900X वाला प्रोसेसर। दोस्तों, ये एक ओवरक्लॉक प्रोसेसर है जो कि बहुत बढ़िया, बहुत स्ट्रांग और बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है एमटी का। तो दोस्तों, अगर हम कोर की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलती है 12 कोर और इसमें आपको थ्रेड्स मिलते हैं 24, यानी ये 12 कोर 24 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। और इसकी जब हम फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो इसकी जो स्पीड है वो 3.60 GHz की बेसिक स्पीड है, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड रहेगी वो है 4.60 GHz की। तो काफ़ी अच्छी स्पीड है इसकी, आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी इस प्रोसेसर में। दोस्तों, कैश मेमोरी की बात करते हैं तो वो उस कैश मेमोरी इस प्रोसेसर में है टोटल 70, यानी 70 MB कैश मेमोरी आपको मिलती है, जिसकी वजह से प्रोसेसर और भी पावरफुल हो जाता है। तो दोस्तों, इस सीपीयू के साथ जो कूलर आता है वो एक RGB कूलर रहता है, क्योंकि बाकी जो एमडी के प्रोसेसर आते हैं उनके साथ में एक नॉर्मल कूलर आता है, लेकिन इसका जो प्रोसेसर एमडी देता है वो एक RGB कूलर, जो कि बहुत बढ़िया कूलर रहता है। और दोस्तों, इस प्रोसेसर की हम कॉस्ट की बात करते हैं तो इसकी कॉस्ट जो रहती है वो 50 से 51 हज़ार रुपये, 50,000 से 51,000 में प्रोसेसर आपको ईजिली मिल सकता है। तो दोस्तों, इस सीपीयू में जो हमने मदरबोर्ड इस्तेमाल किया है वो है MSI का MPG X570 8 Wi-Fi वाला मदरबोर्ड। तो दोस्तों, ये जो मदरबोर्ड है ये एक फुली फीचर्ड मदरबोर्ड है, इसमें आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं, इसमें आपको बायोस को अपडेट नहीं करना पड़ता है, तो ये फुली एडवांस टाइप का मदरबोर्ड है। तो दोस्तों, हम आगे मदरबोर्ड के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको मिलते हैं 4 RAM स्लॉट, और ये जो मदरबोर्ड है ये 4400 MHz तक की रैम सपोर्ट करता है। और जहाँ तक कूलिंग की बात है तो इस मदरबोर्ड के अंदर काफ़ी सारे हीट सिंक लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मदरबोर्ड काफ़ी कूल रहता है, इसके अंदर ज़्यादा हीट नहीं होता है। और इस मदरबोर्ड की मेन बात यह कि इसकी जो मेन चिप है उसके अंदर एक फैन लगा हुआ है, तो उस फैन की वजह से ये मदरबोर्ड और भी ज़्यादा कूल रहता है। तो दोस्तों, अगर हम इसकी आयो पैनल की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे पोर्ट्स मिलते हैं, USB 3.0 के पोर्ट्स मिलते हैं, USB 2.0 के पोर्ट्स हैं, वाईफाई और ब्लूटूथ के पोर्ट्स भी इसमें पीछे देते हैं, उसके साथ आपको एंटेना भी मिलता है, लैन के पोर्ट है, और भी बहुत सारे इसके अंदर पोर्ट्स मिलते हैं, काफ़ी सारे फीचर मिलते हैं। और दोस्तों, इसकी आयो प्लेट की जो हम बात करते हैं तो इसमें ऑलरेडी फिक्स आती है, वो आपको अलग से फिर लगानी नहीं पड़ती है, मदरबोर्ड के अंदर वो फिक्स है। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया पावरफुल और बहुत ही फुल फीचर मदरबोर्ड है। अगर हम इस मदरबोर्ड की कॉस्ट की बात करते हैं तो ये आपको 20 से 21 हज़ार रुपये के आसपास पड़ता है, 20,000 या 21,000 में मदरबोर्ड इजीली मिल जाता है। दोस्तों, इस सीपीयू में जो हमने रैम का इस्तेमाल किया है वो है 16 GB। हमने इस सीपीयू में जो रैम का इस्तेमाल किया है वो 8+8 8+8, यानी 16 GB रैम का इस्तेमाल किया है, वो 3000 MHz की 8 डेटा की गेमिंग X30 वाली रैम जो हमने इस्तेमाल किया है, ये बहुत काफ़ी अच्छी बढ़िया रैम है। तो हमने 16 GB का रैम इस्तेमाल किया है, 8+8 में इस्तेमाल किया है। कभी भी आप भी अगर 16 GB का रैम इस्तेमाल करें तो 8+8 में ही इस्तेमाल करें, इसमें आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। अगर आप 32 GB रैम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप फिर 16+16 GB रैम का इस्तेमाल करें। तो ये जो हमने रैम इस्तेमाल किया ये देखेंगे आप, काफ़ी बढ़िया रैम है, इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, इसमें ये देखेंगे 3000 MHz की 8+8 की हमने रैम इसमें इस्तेमाल। दोस्तों, इस रैम की जो कॉस्ट है वो है 5600 रुपीज़। 8+8 16 GB के लिए रैम जो आपको पड़ती है वो 5600 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर SSD की बात करते हैं तो हमने इसमें जो SSD इस्तेमाल किया है वो WD का M.2 वाला SSD है, जो कि 480 GB का हमने SSD इस्तेमाल किया है। तो SSD लगाने से आप जानते हैं कि वीडियो एडिटिंग में, गेमिंग में, स्ट्रीमिंग में काफ़ी अच्छी स्पीड आती है। तो ये जो 480 GB का हमने SSD लगाया है, इससे सिस्टम को काफ़ी अच्छी स्पीड मिलेगी और अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो ये जो SSD की कॉस्ट पड़ती है वो 4300 से लेकर 4500 के बीच में रहती है। तो दोस्तों, अगर हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो हमने जो इसमें हार्ड डिस्क इस्तेमाल की है वो है सीगेट की ग्रीन बराकूडा 7200 RPM वाली 2 TB की हमने इसमें हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया स्पीड देती है हार्ड डिस्क, और काफ़ी अच्छी हार्ड डिस्क। इस पर आपको 2 साल की गारंटी सर्विस सेंटर से मिलती है। तो इसकी जो कॉस्ट आती है वो 4700 4800 रुपये के बीच में रहती है काफ़ी। दोस्तों, अगला जो कंपोनेंट है सीपीयू का वो है लिक्विड कूलिंग। हालांकि इस प्रोसेसर के साथ में ऑलरेडी एक कूलर आता है जो कि काफ़ी अच्छा कूलर है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर की डिमांड थी कि हमें लिक्विड कूलिंग ही चाहिए, इसलिए हमने इस सीपीयू में एक लिक्विड कूलिंग का इस्तेमाल किया है, जो कि है कूलर मास्टर का लिक्विड मास्टर 240 ml RGB वाला हमने इसमें लिक्विड कूलिंग इस्तेमाल किया है। दोस्तों, इस जो लिक्विड कूलिंग की कॉस्ट रहती है वो 7800 से लेकर 8000 के बीच में रहती है। तो अगला जो कंपोनेंट है हमारे सीपीयू का वो है SMPS पावर सप्लाई। तो हमने सीपीयू में जो पावर सप्लाई इस्तेमाल किया है वो है सर्कल का 750 वोल्ट का 750 वोल्ट का फुली मॉड्यूलर वाला पावर सप्लाई हमने इस्तेमाल किया है। दोस्तों, फुली मॉड्यूलर सप्लाई वो होती है जिसमें आप केबल को अनप्लग और प्लग कर सकते हैं, और इस SMPS में आपको फ्यूचर में भी केबल को बढ़ाने के लिए कुछ ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि अगर ग्राफिक्स कार्ड के आप पावर केबल को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके अंदर एक्स्ट्रा आपको पोर्ट्स मिलते हैं,
तो दोस्तों सर्कल का हमने जो ये 750 वाट वाला SMP इस्तेमाल किया, ये भी काफ़ी अच्छा पावरफुल SMPS है। इसकी जो कॉस्ट रहती है वो 5,000 रुपये से लेके 5,500 रुपये के बीच में। दोस्तों अगर कैबिनेट की बात करते हैं तो हमने सिस्टम में जो कैबिनेट इस्तेमाल किया है वो है सर्कल का एलिमिनेटर X1 RGB, जो कि एक RGB वाला कैबिनेट है। इसके अंदर आपको 4 फैन मिलते हैं जो कि फुली RGB है, साथ में रिमोट मिलता है और इस साइड से एक ट्रांसपेरेंट वाला कैबिनेट है। दोस्तों इस कैबिनेट के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जो कि हमने एक रिव्यू वीडियो बनाया था इस कैबिनेट के बारे में। तो इस कैबिनेट की जो कॉस्ट आती है वो 5,000 रुपीज़ के आसपास है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमने कौन सा ग्राफिक्स कार्ड इस CPU में इस्तेमाल किया है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, एक हाई एंड वीडियो एडिटिंग CPU है, तो इसमें हमें जो ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल करना था वो काफ़ी अच्छा और हैवी वाला ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल करना था। तो दोस्तों इस CPU में जो हमने ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल किया है वो है जोटेक का RTX 2060, RTX 2060 सुपर वाला जो हमने है, 8 GB वाला DDR6 वाला हमने ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल किया है, जो कि काफ़ी अच्छा और बहुत ही पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड। दोस्तों ये जो ग्राफिक्स कार्ड है ये बहुत ही पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड है, बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, RTX सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड है। इसके अंदर आपको रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी मिलती है, तो वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के लिए बहुत ही पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड है। दोस्तों इस ग्राफिक्स कार्ड की जो कॉस्ट रहती है वो 33,000 से लेकर 34,000 के बीच में रहती है, 33,000 से लेकर 34,000 तक की ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने इस CPU में कौन कौन से पार्ट्स का इस्तेमाल किया है और उनकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या थी, उनकी कॉस्ट क्या क्या थी। तो ये दोस्तों CPU हमने असेंबल किया, तो आइए देखते हैं कि असेंबल होने के बाद CPU कैसा लग रहा है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। दोस्तों आपने देखा कि ये CPU बहुत ही बढ़िया बना है, ये एक बहुत ही पावरफुल CPU, बहुत ही स्ट्रॉन्ग CPU है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। तो दोस्तों अगर आप भी इसी तरह का कोई CPU बनाना चाहते हैं, कोई गेमिंग PC बिल्ड करना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई भी कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, तो हमारे स्टोर एंटिक सिस्टम सोल्यूशन पर आप विजिट कर सकते हैं। CPU की जो कॉस्ट है वो 1,40,000 के आसपास आई है और जिनको हमने CPU बना के दी था वो काफ़ी हैप्पी है, उनका काम एकदम परफेक्ट चल रहा है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।